मेरे नाम के नारे लगाना चाहिए आप लोगों को। बस बस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और फिर उस रात मेरा नाम है ताबिश हाशमी और आप देख रहे हैं हसना मना। अरे रुके तो, नाइस कोट। थैंक यू। आजकल मैं नोटिस कर रही हूँ आप मुझे बड़ा अवॉइड कर रहे हैं। मैं आपको अवॉइड, मैं कौन सा आपसे मंगनी का वादा करके कनाडा भाग गया था? मंगनी ना सही, भाग तो गए थे ना कनाडा, और मैं बेचारी यहाँ वादों यादों की भूल भुलैया में। कौन से वादे? मैंने कौन सी कोई सड़क पक्की कराने का वादा किया है? आप जानते हैं ना राइटर्स कितने हसास होते हैं, और फिर मामला इश्क का हो तो हसासियत बढ़ ही जाती है। हसासियत? आपके दांतों में ठंडा गर्म लगता है क्या? मैंने तो अपनी किताब में इश्क का चैप्टर भी शुरू कर दिया। बीबी मैं ना यहाँ शो कर रहा हूँ एक। क्या शो करने लगे हैं? क्या शो नहीं, मतलब ये शो कर रहा हूँ मैं, जियो पे आएगा ये शो। आप मुझे इजाजत दे दें शो कर लूँ, मतलब ये नया नई नौकरी लगी है ना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, मैं आपसे मिल लूँ बाद में। आप शो कर लें, मैं जाती हूँ। हाँ हाँ मैं आपसे मिल लूँगा, प्लीज रवाना। जा रही हूँ। हाँ मैं, अच्छा लग रहा है मुझे आप जा रही हैं तो। मैं जा रही हूँ। हाँ मुझे यकीन आ रहा है इस बात का, मैं देख सकता हूँ। खवातीन हज़रात मैं हूँ, मैं चली गई हूँ। और आप देख रहे हैं हसना मना की एक और एपिसोड। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, भाई इनका नाम जो है ना, ऑस्ट्रेलिया में माएं अपने बच्चों को सुनाती हैं, बेटा सो जा नहीं तो ये आ जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आई 24 साल बाद, और इन्होंने वो हाल किया उस टीम का कि अगले 24 साल तक ऑस्ट्रेलिया का वापस आना मुश्किल है। आप सही गेस्ट कर रहे हैं, हमारे साथ जो मौजूद है उनका नाम है मामूलक। Welcome to the show. देख रहे हैं अभी सारी सीटियां खवातीन के इंक्लोजर से आ रही हैं। कैसे इमाम? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ इमाम। अच्छा जो सवाल मुझे सबसे जोर से आ रहा था ना, जो बचपन से सोच रहा था इमाम आएंगे तो पूछूंगा, यार इमाम आपके शादी के स्टेज पर तो बड़ा मसला हो जाएगा। क्यों जी? वो इमाम साहब पूछेंगे कि आपको इमाम कबूल हैं, कन्फ्यूजन हो जाएगी कौन से इमाम थे, वो भी हक जमा लेंगे मुझसे कहा है मुझसे कहा है। अच्छा मेरे साथ अजीब वाकया हुआ, इमाम साहब आए कहने लगे आपको कबूल है, मैंने कहा जी। फिर पूछा उन्होंने कबूल है, मैंने कहा नहीं। फिर कहने लगे कबूल है, मैंने कहा हाँ। कहने लगे मुबारक हो, बेस्ट ऑफ थ्री में शादी हो गई आप। अभी तक की जो इनिंग्स आपने खेली हैं उसमें से टॉप इनिंग्स कौन सी? एक इनिंग्स ऐसी थी जो साउथ अफ्रीका में खेली थी जिसमें मैंने 100 किया था, जिसमें एक चीज वायरल भी बहुत हो गई थी ये वाली। तो हाँ वो किसको चुप करा रहे थे, कौन था वो, शादी भी नहीं हुई तो चुप किसको करा रहे थे आप? कुछ लोग होते हैं जो आपके जर्नलिस्ट होते हैं, कुछ होते हैं जो है कभी, और देखें 24-25 साल के लड़के में बहुत सारे जज्बात और बहुत सारे इमोशंस होते हैं, बहुत सारे इमोशंस होते हैं, कभी कभार हमें भी गुस्सा आ जाता है। जियो के एनालिस्ट पे तो नहीं था ना? नहीं बिल्कुल। क्या आपका इशारा याह्या हुसैनी की तरफ तो नहीं? क्लियर कर लूँगा, आफ्ताब नोट कर लेना, याह्या हुसैनी पे हंसी छूटी है। हाँ तो वो कुछ ऐसे थे कि जो मुझे हो रहा था, तो वो मुझे, मैंने एक दफ़ा बोला भी था कि यार मुझे ऐसा कुछ करना है, तो वो अल्लाह ने सौ करा दिया था, वो फिर एक नेचुरल हो गया। वेरी गुड। तो उसके बाद मुझे काफ़ी मतलब एडवाइजेस भी मिली बड़े क्रिकेटर्स के, नहीं करना चाहिए, लेकिन वो मैंने उनको जब भी कहा कि यार मैंने जान के नहीं किया या मैंने कुछ सोचा नहीं था, उठ गई उंगली, नेचुरल ही कॉन्टेक्स्ट में बस मैंने इमोशंस में बोल कर दिया। उंगली का ऐसा ही जज्बात में अक्सर उठ जाती है उंगली का, क्या कर सकते हैं लोग, अक्सर तो सियासतदान इंतजार कर रहे हैं उंगली उठने वाली, उंगली उठने वाली है। अजीब सा लग रहा होता है जब ये बोल रहे होते हैं अंपायर की उंगली उठने वाली है। आप PSL खेलते हैं, आपके जिगरी बाबर दूसरी टीम में खेलते हैं, आप दूसरी टीम में खेलते हैं, तो आप जाहिर बातें बताते होंगे बाबर को एंच करके आउट करना है। हाँ जी बिल्कुल, देखिए प्रोफेशनल हमारा काम है, हम जब वो कराची से खेलते हैं, मैं पेशावर से खेलता हूँ, तो हम अपनी अपनी टीम्स को जितवाने आते हैं, तो बिल्कुल मैं पहला बंदा होता हूँ जो मुझे बताता हूँ कि हम अंडर 16 से साथ खेल रहे हैं, तो हम दोनों को एक दूसरे की वीकनेस का पता है, तो मैं जरूर उसको बताता हूँ। इसकी रुखसाना वीकनेस है, इसकी रुखसाना है वीकनेस। मैं बोल रहा हूँ इसका क्या करूँगा, वो भी समटाइम्स बताना पड़ता है। मैं सुनता हूँ अक्सर टीम के लड़कों के इंटरव्यूज और आपके जो कैंडिडेट इंटरव्यूज भी आते हैं अक्सर टोन सीरीज से पहले, T20 वर्ल्ड कप से पहले, कि वो आप लोग बैठे होते हैं कैमरे के सामने, रसीम उसमें लग रहा होता है कि सारे शरारती हैं, सभी एक से बढ़कर एक प्रैंकस्टर ऐसी है। हैं अब जैसे हमने हमारे दोस्त की शादी थी, बड़े हमारे दोस्त हैं मुबीन, उनकी शादी थी, तो अब समझ में नहीं आ रहा था कि यार वो शादी के बाद करना होती ना रात में कोई ऐसी शरारत, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या करें,
तो जब कुछ समझ में नहीं आया मैं उनके घर गया और जो कमरा सजा हुआ था ना उसका दरवाज़ा स्क्रू खोल दिया और दरवाज़ा उठा के छत पे रख और जो कमरे की लाइटें थी वो खोली और डायरेक्ट कर दी, अब वो बंद नहीं हो सकती थी। वो पहला दूल्हा था जिसने पहले शादी से पहले घूंघट उठाने से पहले दरवाज़ा उठाया और वो लगाया। रात में उसका 4 बजे मैसेज आया, इसमें एक ही लफ्ज़ लिखा हुआ था, क्या जो वॉटसन ने आपको कहा था ना, जी जी जी, तकरीबन उससे मिलता जुलता था। अच्छा तो सवाल इतना बड़ा हो गया कि सवाल भूल गया मैं। सवाल ये था कि टीम का प्रैंकस्टर कौन है? सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ, मैं तो प्रैंक करता ही करता था, लेकिन एक दफ़ा इन्होंने बहुत मेरे पे प्रैंक किया था, क्योंकि मतलब मैं ऐसा लड़का हूँ कि जिसे मुझे अपना कमरे की ना हर चीज़ एक जगह पे होनी चाहिए ताकि मुझे दिखे। रिश्ते वाली आंटी को ये मैसेज देना चाहूँगा, आफ्ताब रिश्ते के लिए परफेक्ट लड़का है। आफ्ताब कौन है यार? ये कैमरे के पीछे आपको आफ्ताब नजर ही नहीं आ रहे, इतना बड़ा कैमरा है, आफ्ताब भाई नजर ही नहीं आ रहे। उनको छोड़े, वो दिखने के लिए है भी नहीं। एक दिन आया तो मैंने अपना कमरा खोला है तो और मैं देखा तो बिल्कुल पिलो मेरे साथ, मेरे सारे कपड़े नीचे ज़मीन पे, मेरे अंदर वॉशरूम से टूथब्रश, फेस वॉश, जो जो चीज़ें थी वो सारी बाहर, जो मेरे कमरे में था सारा, जो ब्लैंकेट वगैरह मेरी चीज़ें, मेरा सूटकेस उल्टा बेड पे पड़ा। मुझे तो गुस्सा चढ़ गया, मैंने कहा ये किसने हरकत कर दी है? मैं गुस्से में चला गया मैनेजर के, बगैर मेरे बगैर कैसे कभी हरकत कर दी किसी ने? मैं चला गया मैनेजर के कमरे में। अब उन्होंने मैनेजर को भी मिलाया हुआ था साथ में। अब वो भी बिल्कुल सीरियस हो गए, बहुत ज्यादती हुई है मैम तुम्हारे साथ, मैं सीसीटीवी चेक कराता हूँ। मैंने कहा जी बिल्कुल कराएं, आप मुझे बताएं फौरन। डर तो ये लगा नहीं, सीसीटीवी ना कराएं। मैं था नहीं ना, और केस ना पकड़े जाए। मैं था नहीं ना कमरे में, अगर मैं होता तो फिर था सीसीटीवी में दूसरे केस पकड़े जाए। बस इनको सिर्फ इन्हीं बातों पर ऐसी आती। अब उन्होंने उस प्लेयर का नाम बोला कि यार ये इसने किया, जिसका मैं मतलब सोच भी नहीं सकता, जो इतना जूनियर प्लेयर और जिसका मतलब ना मेरा कोई मजाक ना। क्रीम भी लगाता है बिल्कुल। मैंने कहा ये कैसे कर सकते हैं? अब मुझे गुस्सा, अब रात हो गई, 2-3 बज रहे थे, मैं सुबह बस में, अब मैं बस में मैंने उसको जाके पकड़ लिया। कहा यार तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम क्या हरकतें कर रहे हो? जानता नहीं तुझे, जानता नहीं। कहते क्या हुआ भाई? मां भाई क्या हुआ? यार तुम मेरे कमरे का सारा तुमने हालत खराब कर दी है ये तुमने। कहते मां भाई आप पागल हो गए? मैंने कहा यार क्या हो गया आपको? मुझे सीसीटीवी मैनेजर ने बताया। अब मैनेजर भी पक्का मुंह बना के बैठा हुआ है। अब जिन्होंने किया, जिसने अब जो जो जिन्होंने किया था, जिसमें बाबर भी शामिल था और शदाब भी था, हसन भी था, ये सब थे। अब ये बिल्कुल ऐसे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है और कोई यासीन शरीफ पढ़ रहा है मैच, तो मतलब कोई यासीन शरीफ पढ़ रहा है, कोई मतलब आयत करीमा पढ़ रहा है, कोई बिल्कुल मैच में सीरियस। मैं भी चुप हो गया। अब इन्होंने मुझे इस तरह 1.5-2 दिन पागल बनाता रहा, उस लड़के को भी उन्होंने मुझे पागल बनाते रहे और मुझे भी, मुझे आज तक नहीं पता चला। फिर एंड पे टूर के एंड पे जाके मैनेजर ने बताया कि भाई ये तो इन लोगों ने किया यार। ये तो ये वाला पैंकस्टर मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि मैं इनके साथ हमेशा करता हूँ। किसी की बेल बजाती रात में चले गए बस, क्योंकि रात को 10-11 बजे सोने का टाइम होता है, तो मैं जोर से बेल बजाता हूँ, कहता हूँ रूम सर्विस। अब वो कहते हैं ऑर्डर तो नहीं किया तुमने? शायद बब्बल लेकर शायद किसी ने हमारे रूम आ गया, तो जाके देख लें शायद फ्री का ना मिल जाए। तो रूम सर्विस कह के मैं फिर अपने कमरे में वो खोलते हैं, तो बस वो आपको बेड से निकलने का रात को 11 बजे थके हुए दिल नहीं करता, तो मैं जान के उसी वक्त दबाता हूँ। अच्छा मैं क्या करता था, मैं ना बेल बजा के, अब हम सभी बैल बजाने वाले प्रैंक करते थे, बैल बजा के ना वहीं खड़ा हो जाता था। अंकल वो जा रहे हैं लड़के यार, आप। अब ये 2-3 बार हुआ ना, तो एक दिन अंकल ने मतलब हुआ ये कि ये तो मैं करते रहता था, एक अंकल ने ना पहले वो ड्राइंग रूम की खिड़की से कुछ बाहर ही देख रहे थे जब मैं घंटी बजा रहा था, घंटी बजाई ना और मैं यूं खड़ा हो गया यूं करके ना, एक्शन बाहर आया, मैंने कहा अंकल वो भागे लड़के, उन्होंने कहा इधर आ तू। जाहिर बात है अब ये तो नहीं कहूँगा कि हजारों फैन है, करोड़ों फैन होंगे, क्योंकि दुनिया भर में लोग देखते हैं, पाकिस्तान में आपके सारे फैन हैं। सबसे फैनों की हरकतें अजीब सी होती हैं, जैसे मतलब मेरे पास एक फैन आया, आंखों में आंसू आ रहे उसके, आंखों में आंसू, दिखने में कांप रहा कि वो ना मतलब जैसे बहुत बड़ा फैन है मेरा, आया और ताबिज भाई कहने लगा दानिश भाई बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। अब उसको नाम नहीं पता मेरा, और दानिश और बड़ा फैन था वो। हमारे साथ भी हुआ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, फैन तो था वो मेरा लेकिन उसको कुछ पता नहीं था कि वो कौन है। अब वो आया है, अब उसने ना मुझे काफ़ी, मैं ना एक क्लब में मैच खेल रहा था, प्रैक्टिस मैच लाहौर में, तो उसने ना अपनी गाड़ी पार्क कर ली। क्लब में मैच खेल रहे थे आप? नाइट क्लब नहीं, क्रिकेट क्लब। मैच बना रहे थे कहीं? नहीं, मैं क्रिकेट क्लब बता रहा हूँ। क्या करें क्या करें यार, बात सुनो तुम लोग 25-25 साल वो भी तो इसी उम्र के ना यार, उनका दिल नहीं चाहता क्या? आप मैच खेलो यार। क्रिकेट के क्लब में हम मैच खेल रहे हैं, तो अब एक आंटी थी बेसिकली वो, ओहो तो वो आया, हमने गाड़ी रोकी है, तो ओहो का क्या मतलब भाई? ये आंटी
भाई वो आंटी क्या मतलब आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट वाली आंटी? नहीं नहीं, नहीं मैं कह रहा था कि क्लब में आंटी भी क्रिकेट देखने आई है, शौकीन वो भाई, बहुत सारे को शौक होता है, शौक शौक बिल्कुल शौकीन आंटी तो उन्होंने गाड़ी पार्क की है और पहले उन्होंने देखा है, मैच देखा है थोड़ा सा आधा घंटा का, उसके बाद ना मैं थोड़ा वाटर ब्रेक का, तो वो आ गई, उनको ना बीच में लड़कों ने रोका है कि यार आंटी ना 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 अभी नहीं अभी नहीं, हाँ मैच हो रहा है ना बेसिकली, वो क्लब का मैच, तो उन्होंने कहा अजीब सा आप बाद में आ जाए, लेकिन अब आंटी को रोकते भी डर लगा था चपेट चपूट ना मार दे, तो वो आ गई, अब वो आई है, कहते बेटा मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत बड़ी फैन हूँ बाबर आजम, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। आप रगड़ रहे हो चिराग, चिराग रगड़ रहे हो, चिराग गंदा लगा, आप रगड़ चिराग रगड़ लें और अचानक से जिन निकल आया, नहीं तो क्या निकले चिराग, इतना रगड़ने के बाद भी आपने जिन निकाला है। कम से कम कोई लॉटरी निकलनी चाहिए थी यार, ऐसी चीज़। तो खैर अब आ गया जिन, क्या करे, तो जिन आ गया और अब वो कह रहा है आपके पास तीन ख्वाहिशें, ओए तो पहली विश क्या है उसमें से? सोचना पड़ जाएगा, तो सारी बात है बगैर सोच समझे तो अजीब सी चीज मांग लोगे, अजीब सी चीज मांग लो, कद्दू ले आइएगा, आज खाने का दिल कर रहा है, जाया हो गया जिन, जाया हो गया, सेंचुरियां मांगूंगा मैं बहुत ज्यादा, ठीक है अजीब सा नहीं लगेगा, अगले दिन गए पहले 15 थी, अगले दिन स्टेटस में 100 आ रहे हैं, लोग शक करेंगे, पहले हम कहते थे ना चचा हैं। तो सेंचे मांगूंगा, वर्ल्ड कप जीतने की ख्वाहिश ये जरूर मांगूंगा, ठीक है, अच्छी बीवी की, अच्छी बीवी जिनसे मांगोगे आप, जिनसे वो जिन जो खुद, अरे एक सेकेंड डायलॉग के बीच में नहीं घुसी है, मैं कह रहा था वो जिन जो खुद हजारों साल से अकेला चिराग में रह रहा है शायद उसने हमें दे दे अच्छी, बोले यार पाइजन साड़ी भी यही प्रॉब्लम है, तो सेंचुरी मांग ली और फिर एक वर्ल्ड कप हो गया, इसके बाद मेरे ख्याल से बीवी खुद आ जाएगी। अच्छा ये देखा है मैंने, क्रिकेटर्स जो है वो रिटायरमेंट के बाद, बड़े क्रिकेटर्स रिटायरमेंट के बाद शादियां करते हैं, शोएब अख्तर ने की, कैसे खान साहब ने की, बिल्कुल, तो रिटायरमेंट के बाद ऐसा क्या होता है कि शादी करने का दिल चाहने लगता है? ये जिन प्लेयर्स का आपने ना, ये पुराने प्लेयर्स हैं मोस्टली 90s वाले हैं, जी, तो अब वाले वो तो जल्दी कर रहे हैं और वो कर भी बाहर रहे हैं, हाँ ये है, मैंने देखा है जितने भी हैं, माद वसीम हो गया, आमिर भाई, मोहम्मद, सारे तकरीबन, मोहम्मद नवाज, ये सब बाहर की हैं, ये वो तो मैं देख रहा हूँ। आपने कोई कंट्री सोच रखी है खास? नहीं अभी तक तो नहीं सोच रहे, अभी पाकिस्तान, यहाँ की लड़कियां क्या करें, पैक करके घर चली जाएं, क्या करें? अब इमाम एक गेम है और एक गेम बड़ा अच्छा गेम ये इस तरह से है क्योंकि इससे बड़े हम लोगों का फायदा होता है। अच्छा, इसमें करना ये है कि आपने सिर्फ गलत आंसर्स देने, ठीक है, इस गेम का नाम है रॉन्ग आंसर्स ओनली। ओके, आपने रॉन्ग भी देना, थोड़ा बताना भी है कि एग्जैजरेट भी करना है उसको, मैं सही ना दे दूं कोई रॉन्ग के चक्कर में। तो पहला सवाल रॉन्ग आंसर्स ओनली, रिजवान एक शरीफ आदमी है? नहीं, बता ही नहीं सकता मैं आपको कितना गंदा आदमी है, और ऐसे टीवी पे बता ही नहीं सकता वो क्या करता है रातों में। आप मुझे हाँ मुझे खत लिख के बता देना भाई, मैं आपको व्हाट्सअप करके बताऊंगा। बाबर की कैप्टनसी में खेलने का एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत गंदा, बहुत ही बकवास कप्तान है, हम लोग भी यही कह रहे थे यार क्या कप्तान है भाई, ये कोई तरीका है हर मैच में स्कोर कर दे रहा, हर मैच जीत लिया, कोई दूसरी टीम खेलने आई है, तमाशा देखने आई है, मैंने मैंने अच्छा समझता, हमारे घर में नहीं होता ये। अच्छा आपको स्पोर्ट्स के तजियाकार कैसे लगते हैं? रॉन्ग आंसर्स ओनली, बहुत अच्छे मेरे ख्याल से, बहुत शरीफ, फरिश्ते हैं, मतलब बहुत ही काफ़ी अच्छी बातें लिखते हैं, सच सच लिखते हैं बिल्कुल। पाकिस्तान की टीम का फ्यूचर रॉन्ग आंसर्स ओनली कैसा लगता है आपको? बहुत गंदा, नहीं हो पाएगा इन लड़कों से भाई, बड़ा तुमसे ना हो पाएगा, मुश्किल है। जैसे अभी इंडिया के साथ देखे हम हार गए, अभी क्या क्या आउट नहीं हो गई, कोई तरीका है? वो भी 10 विकेट से। हम आप देख रहे हैं ऑडियंस पे खर्चा कितना किया हुआ है, एक एक बंदे को 150-150 रुपये और बिरयानी पे अरेंज किया है। हमें तो नहीं मिली अंदर बिरयानी, नहीं मिली, नहीं ये क्या ऑडियंस देती, हमें तो दी नहीं यार, आपको दिए भी तो 200 है ना, हमें आप फ्रूट चाट दे रहे थे 150+ बिरयानी। लेकिन मैं इनसे बात करूँ, ये आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, जी जी, तो मैं आप ऑडियंस की तरफ बढ़ूंगा। हाँ भाई, ऑडियंस के पास कौन है, कौन है जिसके पास? सर क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम जी, वकास नाम है मेरा, वकास नाम है सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं मुस्तफाबाद, लाहौर से ही हूँ, लाहौर से ही हैं ये सर, सब आपके साथ ही हैं? जी बिल्कुल, वालिद साहब को मौका दें पहले बोलने का, वो मैं बात करना चाहता हूँ सर आपसे। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं कहना चाह रही थी कि इंजमाम जो है ना वो तो अपनी जगह है, लेकिन मेरा बेटा भी इंजमाम है।
जैसे इमाम मशहूर हैं, वो बंदा सेंचुरियां बना रहा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आप किस वजह से मशहूर हैं? टेस्ट क्रिकेटर। टेस्ट क्रिकेटर? यस। कौन ब्लड टेस्ट क्रिकेटर हैं आप? कौन सा टेस्ट कौन सा टेस्ट खेला है आपने? राइट हैंड बैट्समैन हूं और कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे खेला हूं मैं। अच्छा, वाह वाह जी, माशाल्लाह, वेरी गुड। इस वजह से। और कोई मजीद बात है आपके पास? तफीश भाई, मेरी अभी रिसेंटली शादी हुई है। तो आप कंपनसेट कर रहे हो? 4 मार्च को। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह जी, अभी बिल्कुल न्यूली कपल है हम लोग। अरे वाह वाह, अभी मैं ज्यादा कंपनसेट नहीं किया, अभी ज्यादा टाइम नहीं मिला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चीज बिजी रखे हुए आपको? मतलब एक्चुअली माय जॉब। आप क्या करते हैं? सर मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूं। अभी बिजी हैं? या गवर्नमेंट ऑफिसर है और बिजी हैं। माशाल्लाह, ठीक है। किस डिपार्टमेंट में? इरिगेशन डिपार्टमेंट में। और कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हमजा है, मैं कोटद्दू से आया हूँ। आपकी खूबसूरती का राज क्या है वैसे? मैं इन चीजों के बीच में नहीं आता, बीच में आने वाले फंस जाते भाई। इसमें शो बंद कर दिया जाए मेरे ख्याल से। अस्सलाम वालेकुम इमाम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, पूरी दुनिया आप घूमे हैं, तो एक क्वेश्चन था आपसे कि सबसे अच्छा शहर आपको, सिटी कौन सा लगा पूरी कंट्री, अच्छा पूरे वर्ल्ड में, और सबसे बुरा कौन सा लगा? मेरे फादर ने काफ़ी काम किया इंग्लैंड में, यूके में, तो इसलिए मुझे यूके में, क्योंकि अपने पाकिस्तानी बहुत बहुत ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे। तो लंदन जाके ऐसा लगता है कि आप पाकिस्तान से दूर नहीं गए। लेकिन ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारी जगह गया हूँ ताबिश भाई, आप भी बहुत माशाल्लाह फिर हैं। लेकिन आप यकीन करें, 15 से 20 दिन के बाद जितना मुझे पाकिस्तान याद आता है, शायद ही कोई नहीं मिल के आता। मैं ये बुरा शहर बोरिंग मैं उसे कहूँगा, श्रीलंका बहुत बोरिंग है, पानी पानी है बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन है सर से, क्या मुझसे शादी करेंगे? मैं क्या कह सकता हूँ? मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे बताओ पहले। आपके पास ऑप्शन है, कबूल है, कह दिया। सर प्लीज इज्जत रख लीजिएगा मेरी बात की। चले, जिन ने एक तो विश पूरी कर दी। जिन ने अभी चिराग घिसा नहीं है। मुझे लगता है सही रगड़ा है। आपकी अम्मी देखेंगे ये जी। मैं पता करता हूँ, माइक लीजिएगा, आप दोबारा आएंगे ऑडियंस के पास। वेलकम बैक टू असलम आना है। मेरे साथ मौजूद है इमाम उल हक, और इस वक्त कॉन्वर्सेशन जो है वो खतरनाक मोड़ों से गुजर रही है। अच्छा इमाम, ऐसा है कि आज हमारे साथ, हम लकी हैं, हमारे पास आप, सिर्फ आप नहीं बल्कि दो लेजेंड्स, मतलब आप समेत एक और लेजेंड मौजूद हैं। ऐसे लेजेंड हैं, उन्होंने भी सेंचुरियाँ बनाई हैं दो दो इनिंग्स में अपने डेब्यू के ऊपर। माशाल्लाह, सही है। ये सिंगल डबल बहुत लेते हैं, सिंगल डबल, ठीक है, और कभी कभी सिंगल डबल करते हैं और आगे टपाक छक्का मार देते हैं। आपकी भरपूर तालियों में लेडीज जमन जावेद भी आजाद। जावेद, जावेद, अबे इधर लूट ले, पीछे का जाओ। मैं तेरे रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए गया था तेरे पीछे में, तेरे अंदर अकल है? किलो अंगूर लो, बीच में से पहले ऐसे पूंड निकलते हैं बीच में। नहीं आइए, आइए का क्या मतलब है? हमने तो क्रिकेट खेली नहीं, हम तो जूनियर मोस्ट हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी तो ये हैं, हमने तो अब ये वायरिंग का काम शुरू कर दिया है, लाइटें ठीक करने का काम शुरू कर दिया है, को पोछा मरवा लो छत के ऊपर, हम ये काम कर सकते हैं? क्रिकेट तो खेली नहीं कभी। जावेद भाई आप देखें, ये बड़े लोग खेलते थे तो गेंद जो नाली में जाता था ना, वो हम निकालते थे, क्रिकेट तो खेल ही नहीं। आप नाराज हो रहे हैं, मैं नाराज हूँ आपको। मसला ये है
कि अब बहुत लोगों ने आखिरी बॉल पे छक्के मार दिए, अब आपका जो वो था ना गेम वो क्या तू तो कर रहा, तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से तेरे ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के 3,000 के केस बनते हैं। पर्सनली बोल रहा, खुश्क दूध का इसके ऊपर केस बन रहा है, कुत्ते ने मुंह मार लिया इसके ऊपर कहने जा, मैं 5 साल के लिए केस बन रहा, बोल मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं आपको पर्सनल किससे सुना, इमाम मुझे बहुत शौक था। बैठो बैठो, देखो बच्चों हम लोग अपने सीनियर से सीखते कुछ नहीं है। हाँ, हमें कुछ चाहिए तो नहीं, क्या नहीं चाहिए? देखो बात ये है, इमाम की मैंने पिछले दिनों इनिंग देखी, मेरा बड़ा दिल खुश हुआ। बाबर के साथ खेल रहा था, चाहता तीसरी सेंचुरी कर सकता था, लेकिन बाबर को मौका दिया सेंचुरी का। हाँ, कुर्बानी दी कप्तान के लिए। हाँ, सेंचुरी आज तक 2 कुर्बानियां दी गई हैं ऐसी, एक मैंने दी थी 284 अपने कप्तान, मेरा कप्तान था घबराना नहीं है वाला उसके लिए मैं 280 पे डिक्लेयर हो गया था, वो उन्होंने कर दिया था, आप हुए नहीं थे, आप खड़े हुए थे, कोई बात नहीं, आपकी हटी हुई थी। नहीं जी था, वो बना हुआ था एंच करके, जी था तो गेम का हिस्सा है, इसमें बिल्कुल उदास नहीं कि मुझे पता अगर तेरा कप्तान तुझे कभी कहे ना घबराना नहीं, उधर ही बल्ला पकड़ के उसको ठोक देना, मैं बता रहा हूँ, उसकी सुननी नहीं तूने। बैठे ना, बैठे बैठे, मेरी बात बैठे ना, बैठे ना यार, इनको समझाने की जरूरत है, समझाएं, ये शादी नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि अभी टाइम है, अभी 200-400 और करूंगा। अच्छा तुम, तुझे मैं शक्ल से रिश्ता कराने वाली माई लगता हूँ? यार जो आप मैं यहाँ पे करवाना, पहले मुझे गुस्सा इस बात पर, ये जिस आंटी का केस बता रहा था ना इमाम, वो जो शौकीन आंटी क्रिकेट की जो थी, क्रिकेट की शौकीन, अबे आंटी नहीं थी, मैं आया था बुरके में मुझे क्रिकेट के ग्राउंड में नहीं आने देते, क्लब का मैच देखने के लिए नहीं आने देते, बुरका पहन के आना पड़ता है। क्यों हो रहा है ऐसा आपके साथ, क्या किया ऐसा आपने? मुझे क्या पता, ऊपर बैठा ना घबराना नहीं है, नहीं घबरा था, बैठा हुआ हूँ। टीम में अगर कोई पॉलिटिशियन बन सकता है, हफीज भाई और मुझे ऐसा लगता है शाहिद भाई, दोनों बन सकते हैं। खान साहब से बेहतर बन सकते हैं या हल्के, ये तो वक्त बता सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों में क्वालिटी है, बाकी सब एम ही बन जाएंगे। देखो नेचुरल फिनोमेना को पिक करने की कोशिश करो, किसे आप मुझे कोच रख लो टीम का, बने तो थे आप। इमाम बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वो होते ना कि यार जब आप परफॉर्म करते होगे तो लोग कहते होंगे अबे क्यों ना करें इंजमाम का भतीजा है, नहीं करते होगे तब भी अबे कुछ भी नहीं कर रहा इंजमाम का भतीजा है। वेव रिचर्ड से मेरी एक दफ़ा बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि इमाम ये मैटर नहीं करता कि आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, ये मैटर करता है कि आप खुद और आपका जो ड्रेसिंग रूम है जिधर आपके साथ रहना है वो आपके बारे में क्या एडवाइस है। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा क्लिक किया, और फिर मेरे चाचू ने कभी आज तक मुझे इस चीज़ पर नहीं बोला ना, हमेशा वो ये कहते हैं कि जब तुम खुद गलती करोगे तो उसका बेस्ट कोच तुम खुद ही हो। मुल्तान की 2 चीजें मशहूर हैं, मुल्तान का चौंसा चौंसा और इंजी का जौंसा बहुत घटिया बात की। आप मैं गेम खेलना चाहता हूँ, खेल इमाम के साथ गेम करना चाहता हूँ, कर गेम इमाम, गेम का नाम है हु इज हु। अब मैं आपसे कुछ सेंटेंसेस बताऊंगा, आप बताएंगे कौन हो सकता है, इट कुड बी एनीवन, इट कुड बी अ प्लेयर फ्रॉम द पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, कुड बी एनीबॉडी, ठीक है। अब ये सवाल तो ऐसा ही क्रिकेटर ही हो सकता है कि स्लेजिंग का असर सबसे ज्यादा हमारी टीम में किसको होता है? हारिस रऊफ। हाँ लगता भी है ना वो, अच्छा हारिस बहुत जज्बाती है, बहुत जज्बाती है उसको, मतलब अगर कुछ हल्का सा भी कह दो ना कि यार ये उसने वो तेरे बारे में बोला था, वो पागल हो जाएगा, वो कहे मैं इसको नहीं छोड़ू, मैं छड़ा हाँ, ऐसे ही है वो बहुत। वो इमाम की, वो हारिस की सबसे ज्यादा मुझे जो पसंद है ना मीम, वो जो उनसे वो इंडियन होस्ट कमेंटेटर ने जो हिंदी में जी 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 जिसका संस्कृत में सवाल, आपकी विशाखाएं इतनी कदर पपट हैं, यू करके वो बन गया था जो वसीम भाई ने उनकी वो बहुत बहुत जबरदस्त उन्होंने वो किया था। अच्छा किसके साथ रनिंग करते हुए सबसे ज्यादा डर लगता है? बोल दूं? हां हां, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है वो तू? हफीज भाई। अब बोल सकता अभी नहीं खेलना मुझे पता है किसके साथ रनिंग करते हुए डर लगता था, कुत्ते के साथ, कुत्ते के साथ बहुत डर लगता
था कुत्ते, जब वो रनिंग शुरू करता था ना मैं धो जाता था। कितना तू चाह रहा था ना ताली ना मारे मेरी बेइज्जती हो, यही चाह रहा था ना। कनाडा से फफे कुटनी आई हुई है यहाँ फसाद मचाने के लिए। सही चोर कौन ना होता उससे, मतलब होता है। एक दो है इंजी सर भी थे। हाँ वो भी उनके बारे में तो कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल थे। दो प्लेयर है जिन्हें जो है कहते हैं कि जी उनका चैलेंज को दिल कम कम करता है। हारिस सोहेल वो बहुत लेजी टाइप हैं, और एक जो है जिसे आप कह सकते हैं वाब भाई टू सम एक्सटेंट। वो मुनीर नियाजी की एक मशहूर नज़म है ना कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में, तो ये टीम के अंदर किस पे सूट बैक करती है ये? सरफराज भाई पे मुझे लगता तो नहीं कि वो लेट लतीफ होंगे। लेट लतीफ नहीं है, लेकिन ये है कि बोलते इतना जल्दी जल्दी है तो काम लेट करते हैं। उन्हें शौक है कि मैं लेट आऊं आराम से आऊं से। नहीं भरम से नहीं, बस उनको शौक है कि क्योंकि क्या होता है कि वो ब्रेकफास्ट करने पे जब आते हैं ना तो उसमें दो बंदे ही लेट होते हैं ब्रेकफास्ट पे, एंड वाले एक वो और एक मैं। मेरा ख्याल है सरफराज का नाम इमाम ने एहतियात नहीं लिया है, लेट लतीफ मुझे इमाम ही लगता है। अब देखो ना शादी नहीं कर रहा यार, ये शादी नहीं कर रहा। वो अभी रिश्ता आया है, आया है अभी शो में ही आया है। तो मुझे बताओ ना यार, मैं इनका कोच रहा हूँ, कोच अम्मी की जगह होता है, अम्मी के लिए पहले तालियां तो बजाओ ना, अभी करवा देगी रिश्ता। हंसो मत, दांत ना निकालो, दीवारों के भी दांत होते हैं। दांत होते हैं दीवारों के? दांत किस किस्म की दीवारें भाई? दीवारों के यार तुम तो हंसे भी तो तेरे दांत नजर नहीं आते, इतना तेरा मुंह है खुला भी हो लगता बंद ही है। बेवकूफी की बात यार, वैसे मैं बात कर रहा हूँ। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वही पूछ रहा हूँ, मामूल हक साहब ने आना था, वो किधर है? ये कौन बैठा है? ये शाहीन अफरीदी बैठा है यार, टेलीविजन पे और यहाँ पे फर्क ही पड़ा है यार। ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, ऐनक लगी हुई है ना, उधर क्रिकेटर लगते हैं, इधर रफूगर लग रहे हैं। ये मेरी बीवी है जी, सलाम अलैकुम। जरूरत से ज्यादा है। बहुत प्यारे आप, कितने हैंडसम है ना। घर से ये बताने के लिए आई आप? नहीं और ओ भाई जाओ, मेरा कार खराब करना। आप इधर जी, आप भी तो पूरा लगेज लेकर आ गए ना। लगेज नहीं, वो दरअसल आई है निका ना। अच्छा, बड़ी शौकीन है क्रिकेट की। अच्छा अच्छा, हाँ तो इनको देख के ना मैं तो आज बड़ी खुशगवार मूड में हूँ, है ना। अच्छा वो बात करना, बोलो बोलो कुछ बोलना। अरे अब मैं क्या बोलूं, ये भी कोई मेरे कहने की बात नहीं है। ओए मेरा बच्चा तू ना शर्मा, ये है ना तेरा मुकदमा लड़ने के लिए। मुकदमा? अपनी जगह पे टिक के खड़ा रहने दूंगी तो लड़ूंगा। मुकदमा किस बात का? जो रेकॉर्ड देख मैं सोना निकला है इसका, मुकदमा किस बात का निकला? देखो आप बीच में ना पढ़ो, ये हमारा फैमिली मैटर है। क्यों फैमिली आपकी उधर है, इधर किधर फैमिली बनाई जा रही है? नहीं वो ऐसे ही कुछ सोच रही है ना, वो क्रिकेटर पसंद है ना। हाँ। तो रिश्ते के लिए वो सोच, रिश्ते की जगह मैंने वो रिश्ता होने दूंगा। कितने रिश्ते आएंगे एक ही दिन में? दो वहां से भी क्राउड से भी रिश्ता आ चुका ऑलरेडी। भाई मैं तो उनको मना कर रहा हूँ, क्रिकेटर के साथ ब्याह करना ही नहीं चाहिए। क्यों? ये ना लो पूरी जंज को फील्डिंग पे खड़ा रहा है। देखो निकाह के टाइम बराती ने किसी ने भी उंगली खड़ी कर दी, इसने तो निकाह छोड़ के निकल जाना। भाई ये इमाम है, ये पूरी शादी करा के जाएंगे। इमाम जी मुझे ये बताएं कि आप फैमिली में रहते हैं या सेपरेट? ग्राउंड में। ज्यादा वक्त ग्राउंड में रहते। अच्छा, वो जो फ्लड लाइट्स पे पोन नहीं बैठे होते, ये वो उड़ा रहे होते हैं। तू करें सब। आप मुझे ये बताएं कि शादी के बाद आपका पाकिस्तान में रहने का इरादा है या दुबई शिफ्ट हो जाएंगे? पाकिस्तान में रहूंगा। अच्छा बेटा ये बताओ कि शादी के बाद रिव्यू तो नहीं मांगोगे? आपने किसी जेब कुत्रे से शादी करनी है? तू क्यों पूछ रही हो? क्यों पूछ रही हो? तेज भाग लेते हैं। और मतलब अगर किसी के साथ तेज भागे तो भागते ही है, वो साथ ही भागते हैं। बाबर के साथ भाग चुके हैं कई बार।
नहीं अगर किसी के साथ ही भाग गए बेटा वो सवाल करो कि बारात जो है ना दरवाजे से ही वापस ना चली जाए अच्छा सवाल करो आप अंधेरे में देख लेते हैं चोरियां करवानी है तो आप रस्सी पर चल लेते हैं अरे आपने बेटा क्या करवाना है इनसे आप क्यों पूछ रहे हैं इस तरह के सवाल अंधेरे में देख लेते हैं रस्सी पर चल लेते हैं सर्कस खोलने वाली हैं आप क्या है शादीशुदा जिंदगी ऐसे ही होती है ना तलवार की नोक पे चलना होता है शादी किसकी शादी मेरी आप रिश्ता करवा रही हैं यहाँ पर नहीं इनसे नहीं फिर कोई भी करेक्टर चाहती है इन जैसा हाँ, बिल्कुल, हाल बिल्कुल, हो बिल्कुल। तो इनकी नजर में तो ये शादी जरूर बताइएगा जी जी बिल्कुल बताऊंगा अच्छा वैसे करेक्टर के साथ ना ही शादी करो तो अच्छा है इस बच्ची की क्यों बच्चा देखो मैं इतने नवासे नवासियां कहाँ खिलाता फिरूंगा और सेंचुरी से इर्द गिर्द टिकता ही नहीं है यार मैंने खबर सुनी है बाबर आए में बाहर जी जी बाबर है बाबर जी जी बाबर बाबर चल बाबर आए बाबर 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 ये बाबर कौन से जो मुगलिया बादशाह थे नहीं नहीं बाबर अवान मैं बाबर अवान है झारखंड से बात कर अब बाबर अवान इस लड़की ने वो आईनी मामला डिस्कस करने के हजरात इस वक्त वो वक्त आ चुका है जिस वक्त के बारे में हमने सुना है हमारी दादियों ने भी सुनाया है कि बेटा ये वक्फे का वक्त जाइए वक्फा लीजिए और वापस आइए ताजा दम होगा वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन तौसीफ अंकल ये क्या पहन कर आ गए आप ये कोई तरीका है ये कोई टीवी पहन ये कपड़े पहन के देखते हैं खैर अब आप आ गए हैं तो वेलकम बैक मेरे साथ मौजूद है मामूला एक लड़की ने प्रपोज क्या कर दिया अब सभी के हाथों में माइक है हाँ भाई अंकल आप भी प्रपोज करना चाहते हैं क्या हमें इमाम की शक्ल में इंजमाम नजर आएगा इन फ्यूचर ज्यादा हैंडसम है अंकल ये मुश्किल काम है लेकिन देखें उनकी परफॉर्मेंसेज बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के लिए लेकिन एटलीस्ट आप कोशिश कर सकते हैं हम लेकिन मुझे मुश्किल लगता है अस्सलाम वालेकुम इमाम भाई क्या हाल है ठीक हैं आप जी मैं ठीक वालेकुम अस्सलाम आप कैसे हैं आपसे ये सवाल है कि वो कौन सा ऐसा बॉलर है जिसको देख कर आपकी कान पे टांग जाती है हैं काफ़ी सारे ऐसे बॉलर होते हैं कहाँ पे नहीं टांगती लेकिन ये ज़रूर होता है कि आपको एक दफ़ा उनके अगेंस्ट प्लान बनाना पड़ता है सोचना पड़ता है तो एक साउथ अफ्रीका के हैं कगिसो राबाटा और एक अभी ऑस्ट्रेलिया के हैं पैट कमिंस क्या नाम है आपका मेरा नाम अली है इमाम भाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआईज में आपके दो सेंचुरीज 150 102 का स्ट्राइक रेट मैन ऑफ द मैच की गाड़ी फिर बाबर ले गया तो उस पर कितना दुख हुआ है आपको दुख तो बहुत हुआ है हाँ दुख ज़रूर होता है मगर मेरे ख्याल से जो उन्होंने ये बेसिकली कमेंटेटर्स और मैच रेफरी का डिसीजन होता है तो ये उनका डिसीजन था इसमें हम कुछ नहीं कर सकते टीम की सबसे बड़ी फुफो कौन है वाब रियाज बड़ा स्पॉन्टेनियस जवाब निकला है ठीक है चलो मैंने आपकी स्टेटमेंट पढ़ी थी कि आप वॉशरूम में नहाते वक्त इस पर बहुत फ्रस्ट्रेट हुए हैं तो काइंडली इसको ब्रीफ कर दें कि क्या सूरत हाल है आप वहाँ थे वहाँ पे नहीं हो सकता है ना वो स्टेटमेंट ये थी कि मैं रोया बहुत हूँ वॉशरूम में नहाते हुए जब वो ऐसी जब आपको सुनने को मिलती है वो मेरे ख्याल से जब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐसी हो जाएं जो आपको लगता है कि यार ये नहीं होनी चाहिए और ये एक फजूल की चीज़ है क्योंकि अगर आप इन जमाम के रिलेटिव इसमें मेरा कोई आप क्या कर सकते थे आप थोड़ी थे भाई उस वक्त जब वो रिलेटिव बन रहे थे तो वो ऐसी थी कि जब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपकी बिल्कुल बर्दाश्त से ऊपर चली जाती है ना तो उस वक्त आप थोड़े से फ्रस्ट्रेट होते हो और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो फिर वो उसमें मैंने कहा था कि जब आप वॉशरूम में होते तो मैं काफ़ी कुछ सोच रहा होता था तो वो उसमें जो था कि मेरा शावर इतना लंबा एक एक घंटे का होता था क्योंकि मैं वो सोच रहा होता था तो वो उस चीज़ की स्टेटमेंट थी अच्छा इमाम गेम ये है कि मैं क्रिकेटर्स के नाम लूँगा और आपने ये बताने कि क्रिकेटर ना होते तो क्या होते तो क्या होते सबसे पहला नाम है सरफराज अहमद नाथ खुआ तो अच्छी भी पढ़ते हैं बहुत अच्छी पढ़ते हैं बहुत अच्छी सुनिए शाहीन आफरीदी दामाद होते क्या होते वो क्रिकेटर ना होते तो दामाद भी ना होते मुझे ऐसा लगता है शाहीन जो है कि मेरे ख्याल से अच्छे स्कूल में टीचर होता अच्छा ये क्यों ऐसा कुछ है कुछ पर्सनालिटी बहुत मुझे ऐसी लगती है सोबर है बहुत अपने में रहता है और इजी पर्सनालिटी अहमद शहजाद
एक्टर अहमद शहजाद के, मैं वो याद है एक्टिंग से याद आया कि अहमद शहजाद की इंजरी हुई थी जिसमें वो ग्राउंड में लेटे हुए थे और बस ऐसा लग रहा था वसीयत करने वाले क्या था वो? सच बताऊं तो हम डर गए थे, हमने तो भाभी को कॉल करी कि ये ठीक है तो प्लीज हमें बताएं, लेकिन हमने भाभी फिक्र नहीं करिएगा हम लोग ऐसा फैमिली हैं आपकी। अब जब अगर एम्बुलेंस पिच पे आ जाए तो ऑब्वियसली वो बहुत मुश्किल से सीन्स होते हैं, तो वो फिर बिल्कुल इधर लेटे हुए और एकदम एम्बुलेंस और एम्बुलेंस के अंदर गए हैं तो दो ओवर के बाद देख रहे हैं उधर से भागते हुए आ रहे हैं कि बस छोड़ दो मुझे छोड़ दो। तो लोगों ने बाद में मजाक किसी ने कन्फ्रंट किया कि यार अहमद बात सुन हम पागल नहीं है, मतलब बहुत अभी तक मजाक उनका काफी, कामरान अकमल उनको बहुत 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 छेड़ते हैं। मैंने सुना था इमामुल हक भाई आए हुए हैं, अस्सलाम वालेकुम। जावेद मियां दादू भाई पीछे इमामुल हक आप कौन है? मैं आपको ये मोहल्ले में चौराहे पे अगर हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आके फ्री हो जाएंगे, कौन है आप बताओ कौन? बहुत बड़े क्रिकेटर हैं भाई। यस यस मुझे ना टेस्ट क्रिकेटर बनना है। बनना है? यस यस नहीं नहीं बनने का शौक है ना मुझे ना T20 नहीं पसंद, तो मैं ना वो इमाम अलग से ना मशवरा लेना था मशवरा। T20 का मसला ये है कि जब तक भाई सेट होने लगते हैं ओवर खत्म हो जाते हैं, फ्लो नहीं बन पाता। सही है बात करें मैं आपको, सही है थोड़ी सी कर लें जल्दी से करें, क्या क्या बात करें? मुझे बताएं जब मैं ना लेट कर ना लेट कट मारता हूँ ना तो मेरी ना एड़ियों में दर्द शुरू हो जाती है, तो क्या करूँ? अरे एड़ियों वो मालिश है। अच्छा अरे नहीं तंस कर रहा हूँ मैं। और ये आप कट जो है ना वो लेट कट नहीं कहते, आप कट ही लेट मार रहे हो। अच्छा जब मैं ना मुझे ना स्वीप मारना बड़ा बहुत अच्छा आता है, मगर मुझे प्यार से ना लोग स्वीपर कहते हैं। जचता भी है। सर आप मकसद क्या है, ये जुगते मारने आए, कॉमेडी दिखाने आए या क्रिकेटर बनने आए? ये सिर्फ बकवास करने के लिए आए। सर इन्हें बताओ ना मैं कौन हूं। हां ये अंपायर हैं, तीन अंपायर हैं ये लोग, थर्ड अंपायर भी यही है। नहीं जी मैं वो अंपायर हूं जिसकी उंगलियों पे सारा मुल्क नाचता है। यस यस सब वेट कर रहे होते हैं इनकी उंगली उठे, मगर इनकी उंगली उठती ही नहीं। इलाज करें हो जाती है। हाँ उंगलियां टूट जाती हैं, उंगलियों में आ जाता राशा आ जाता है। इमाम मैंने सुना डिपार्टमेंटल क्रिकेट वापस आ रहा है, तो कोई जहाँ से इतनी टीमें बन रही हैं तो मुझे मेरी भी कुछ सिफारिश करा दें। और एक रिक्वेस्ट है, जहाँ पे इन्हें अपॉइंट करवाए ना इस क्रिकेटर, मुझे भी वहाँ पे अंपायर रखवा दीजिएगा। हाँ क्योंकि हम भाई हैं ना, हम साथ होते हैं। ये आपकी वजह से अच्छा खेलते हैं। नहीं ऐसा नहीं है सर, भाई खेल तो वैसे भी लेते हैं लेकिन मेरे बगैर ना इनका दिल नहीं लगता, फिर जरा दिल से खेलते हैं। भाई आप जरा इनसे फासला भी रखें, आपका नाक बहुत लंबा है, लग गया ना उसका कंधा कट जाएगा मैं बता रहा हूँ। अबे मैं देख रहा हूँ बकवास कर रहा, पूछ उनसे आया क्यों अबे? सीधा बता ताबिश के बाल काटने के लिए आया तो यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ ना मैं भी ना वो भान जाऊँ, वो जो होता है वो जो होता है वो जो क्या होता है जो ऐसे करता है जो वो है कौन है वो क्रिकेटर है वही वो बनना है। यस यस ऐसे आपकी तो उम्र निकल चुकी है, आपकी उम्र नहीं है क्रिकेटर बनने की। आप एक काम करो, आप मर सकते हैं। देख रहा था ऑप्शन हो अगर आपके पास। आपके पास कोई ऑप्शन है कहाँ मरा जाए, किस पे मरा जाए, क्यों मरा जाए, कैसे मरा जाए? सर फिलहाल इस सेट से तेरे साथ सही सही रही है, तेरे साथ बिल्कुल सही रही है तेरे साथ। यार आप कहीं मैं अभी आप एक काम करें किसी रक्स की महफिल में जाके ट्राई करें, बहुत अच्छा करते हैं आप। अभी ये जो इतनी बातें कर रहे हैं ना, एक कॉल आएगी सारी तबीयत साफ हो जाएगी। बातें करता है। आइए ना कॉल आइए, आ गई कॉल आ गई। मेरा मोबाइल तू फोन कहाँ रखता है बे? ये 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 इस, ये, इस, ये 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 हेलो हाँ आ गई सिफारिश आ गई। अच्छा हाँ हाँ दो सॉरी 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 हाँ हाँ मौजूद है मौजूद है। हाँ ठीक है मैं करता हूँ। सिक्योरिटी क्या हुआ? अरे पुलिस का फोन आया, बोला दो पागल भागे हुए यार। अच्छा तामी भाई क्रिकेटर ना होते, कामरान अकमल क्या होते? मेरा ख्याल उमर अकमल होता। इन भाइयों ने ही होना था, दाएं बाएं अदनान अकमल कामरान अकमल जवाब अच्छा था, वो ना होते तो कामरान अकमल सही है। अच्छा अगर हसन अली अगर क्रिकेटर ना होते तो डांसर? अच्छा मेरे दिमाग में वो ठुमके लगाता हुआ आ रहा है, वो बड़े वाह यार ठुमके लगाता है वो। अच्छा डॉक्टर हफीज क्या होते? डॉक्टर हफीज कह रहा हूँ, प्रोफेसर हफीज क्या होते? प्रॉपर्टी डीलर।
अगर आपको मौका मिले कि किसी शख्स को आप बर्मुडा ट्रायंगल भेजना चाहें, तीन लोगों को, पहला नाम जाया हुसैनी, जाया हुसैनी यार, जाया हुसैनी हाँ, दूसरा तनवीर अहमद, तनवीर भाई सी यू। अब तीसरा नाम तुम्हें कसम है मैं बताऊंगा, इंजी चाचू।